अब आप शांत हो जाइए मॉम, बहुत रो लिया आपने। डैड, मैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता, यह भी नहीं चाहता कि घर में अशांति हो। हर एक को चाहिए कि वो अपने आप को शांत करे ताकि घर नॉर्मल हो सके। हम अंदर चले? हाँ ठीक है। ये आपको कुछ चाहिए? आपके लिए कुछ बना दो हिकमत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिल करे वो बना लो। एसोसिएशन से फोन है। हेलो, हाँ कहिए, मैं सुन रही हूं। इसका मतलब आपने मेरी मेंबरशिप अप्रूव कर दी है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई हैव अ गुड डे। क्या बात है? एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था। तुमने मेरे डैड को कैसे कन्विंस किया? क्या कहा तुमने उनसे? सच कहूं तो कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं? हाँ सच में। क्या तुम जानती हो तुमने आज क्या किया? मैंने? मेरी मॉम के लिए तुमने अपनी लाइफ रिस्क में डाली। अगर मेरी मॉम को बचाने में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ बोलो प्लीज, यही सही टाइम है। मैं बोल रहा था कि वहां जो कुछ भी हुआ उस, मुझे लगता है वहां जो कुछ भी हुआ हमें उसके बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। ये फिर से जा रही है, ये मुझसे बात नहीं करना चाहती।
तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरा फोन नहीं मिल रहा, मुझे कॉल कीजिए ना। शुक्र है मिल गया। शहरी के लिए अलार्म लगा देती हूँ, वरना सोती ही रह जाऊंगी। ये सब जल्दी शहरी के लिए? कोई तुम्हें जगा देता? मेरी माँ भी ऐसा ही कहती थी, लेकिन मैं हमेशा अलार्म लगा कर ही सोती थी। एक छोटी सी अलार्म क्लॉक जिसमें अंदर चिकन होता था, आपको याद है? लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा कुछ देखा था मैं बच्चा था। मैं भी अपने बचपन की ही बात कर रही हूँ। मुझे अपनी माँ के साथ सुबह शहर के लिए उठना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं लगभग 7 साल की थी तब एक बार उन्होंने मुझे जगाया नहीं था क्योंकि मैं छोटी थी, और तब से मैंने अलार्म लगाना शुरू कर दिया। पर उस दिन मैं अपनी माँ से बहुत नाराज हुई और सारा दिन बात नहीं की। फिर उन्होंने मुझे फास्ट रखने की परमिशन दे दी और मैं रखने लगी। फास्ट रखकर लगता है मैंने कुछ अच्छा काम किया और अच्छा ही होगा। कैसा रिवॉर्ड? सेहत अच्छी रहती है। इफ्तारी के वक्त जब हम साथ में बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है। खैर जो भी हो, मैं ऐसे यहाँ खड़े खड़े बातें करती रही तो यही सहर हो जाएगी। मुझे अब सो जाना चाहिए, बहुत थकी हुई भी हूँ। हाँ, पर पहले तुम्हारी ड्रेसिंग कर लेते हैं ताकि तुम्हें और चोट ना लगे। हाँ ठीक है, बैठो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। मैं लेट जाऊं बुरा तो नहीं मानेंगे? कंफर्टेबल हो जाओ। दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने आज कंस्ट्रक्शन पर जो बातें तुमसे कही वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। सो गई। मुझे उससे बात करनी होगी, मैंने अभी तक माफी भी नहीं मांगी है। मुझे मत छोड़ो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज। एक और बात है दिमाग में, क्या उसने वो सुना होगा या नहीं? क्या मुझे इन्हें जगाना चाहिए? लेकिन इन्होंने तो कहा नहीं था, क्या करूं? अगर ये शहरी के लिए उठना चाहते तो मुझे बोलकर सोते, रहने देती हूं। Thank you.
क्या वो चाहती थी कि मैं जाग जाऊं? क्या उसे मुझसे कुछ बात करनी थी? अगर मैं बात करता तो वो क्या कहती? अगर उसे मेरे जैसी फीलिंग्स नहीं हुई तो? या शायद वो भी मुझसे प्यार करती है। इस साल हम रमजान को खुशी खुशी मना पाए हैं। ईश्वर हम सब की मदद करे, आमीन। इसके अलावा इस साल हमारे पास खूबसूरत रिश्ते भी हैं। अमीर बेटा, मैं शहरी के लिए जाग गया। आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम पहले कभी आए नहीं ना, इसलिए हैरानी हो रही है। मुझे लगता है हर किसी को खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए। यूं पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ ना। सिर्फ एक रिवॉर्ड? ऊपर वाला तुम दोनों को खुश रखे। सुना कहाँ है मिल गए? सहरी के वक्त वो हमेशा यहाँ होती है। शायद उसकी नींद ना खुली हो। मेरी मोम भी यहाँ नहीं है। मैं जाकर सुना को उठाती हूँ, आप अपनी मोम को उठाइए, ठीक है? एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। हमारे जाने के बाद हमारी सुना का क्या होगा अमीर? वो तो चल फिर भी नहीं सकती, उसका ख्याल कौन रखेगा? मुझे लगा कि तुम सो रही होगी। क्या तुम सहरी के लिए उठी हो? सुना, क्या बात है, रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। मैं अभी बात नहीं करना चाहती रेहान। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बाहर सब तुम्हारा सहरी के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है? मैं नहीं आऊंगी, तुम खाना खा लेना। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, वहां सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आज रमजान का पहला दिन है, साथ में सहरी करना अच्छा लगेगा। सुना, यहां आकर मेरे पास बैठ जाओ। आ
आपको इस साल फास्ट नहीं रखना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं रमजान का पहला रोजा ही रख पाऊंगा। अब देर मत करो, सहरी कर लो बेटा। शुरू करें? शुरू करो। बहन मरियम हमेशा सहरी में योगर्ट सूप लेना पसंद करते थे। यकीन मानो तुमने इसे बहुत ही लजीज बनाया। थैंक यू सो मच। अगर तुम इफ्तारी के लिए चावल के साथ एग पकाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बनाओगी? बिल्कुल बना दूंगी। अगर मिसेस जावेदान को ठीक लगे तो तुम डैड के पसंद का कुछ भी बना सकती हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। टेसी बोलो। लैला तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ टेसी। जब तक मैं ये नहीं पता लगा लेती कि डैड पर किसने आरोप लगाया है, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। शायद मैं जानता हूँ कि ये काम किसका है। तुम जानते हो कौन है वो? तुम्हें कैसे पता चला? क्या ये सब उसी ने किया है? डिपो में आ जाओ, आमने सामने बात करते हैं। मैं आ जाऊंगी, लेकिन बताओ तो वो कौन है? फोन पर नहीं, पहले यहाँ आओ। ठीक है टेसी, मैं आ रही हूँ। जब तुमने इसे राइस कहा तो मुझे लगा सच में राइस से बना है। कहने को ये राइस की डिश है, पर बनती नूडल से है। तो तुम बनाओ, मैं तुमसे सीख लूंगी। क्या सब ठीक है? सब ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए अमीर? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पूछना था कि डिजर्ट में क्या खाना है। हमने सोचा कुछ स्पेशल बनाया जाए, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कुछ चाहिए। गाजर का हलवा, वो कैसा रहेगा? मुझे लगता है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ अभी शुरू किया है। मीठा भी तो बनाना है, मैं स्टोर से सामान लाती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें कोई और मेन्यू डिसाइड करना चाहिए था, ऐसे तो पूरा दिन किचन में बीत जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे ये बनाना पसंद है। आपको कुछ चाहिए क्या? किसे? मुझे? हाँ नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है रेहान। स्टोर में सामान नहीं है, मैंने सैफर को लाने भेजा है।
क्या बोल रहे थे आप? अभी नहीं, अफ्तारी के बाद बात करते हैं। ओके, मैं चलता हूं। हाँ कैमल बेटा, मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी। क्यों, क्या हुआ? हमें लैला के लिए कुछ करना चाहिए, वो बहुत उदास है, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। मुझे पता है, वो तलस की गिरफ्तारी के बारे में सोच रही है। उसे भी दुख है, उसके फादर हैं। वैसे मुझे एक रास्ता मिल गया है। कौन सा रास्ता? तुम एक वकील हो तो तुम उसके फादर को बचा लो। मुझे पता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक बार मेरी बात मान लो, उन्हें बचा लो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वकील हो तुम। मैंने कहा ना सिस्टर सहरिया, मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा यही कहते रहते हो, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लैला के लिए ही कर दो। क्या तुम वकील नहीं हो? मदद कर सकते हो ना? मैंने ही उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। ओए, ये क्या किया? क्या मैंने वही सुना जो तुमने कहा? अगर लैला को पता चला तो वो बहुत नाराज होगी। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मैं उसे जाकर ये बता दूं? मैं लैला को बाद में बता दूंगा। लैला को तुम बताओगे? मुझे समझ नहीं आता तुम ये कैसे करोगे। कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा, बस थोड़ा संभल कर रहना होगा और उसे कुछ मत बताना जब तक मैं ना कहूं। हाँ, ये ठीक रहेगा, ये तुमने सही कहा। मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगी। तुम ही मत बताना, मत बताना। मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूं। आपको कुछ और चाहिए? मिस मेलिके, आप नहीं बैठेंगी? मैं बता चुकी हूँ ना बेटा, मैं बाद में खाऊंगी। तुम लोग शुरू करो। ओके मिस मेलिके, आप सुना की मत सुनिए, ऊपर वाला इसे खूब करे। आप खाइए, शुरू कीजिए। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम सबके साथ बैठकर खाना खा रही हूँ। ऊपर वाला हम सबको खुश रखे। आप हमारे लिए बहुत खास हैं। और ये आपके बिना कैसे हो सकता था? मैंने इसमें क्या किया? मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप सबके साथ हूँ। आप सब ऐसे ही मुस्कुराओ, खुश रहो। बहुत भूख लगी होगी ना? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने रात को बहुत ज्यादा खा लिया था, लेकिन मुझे थोड़ी प्यास लगी है। ठीक है, जैसे ही आजान सुनाई दे तुम पानी पी लेना। ऊपर वाले ने हमारा रोजा कबूल किया। सच कहूं, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है। बेटा, ये बहुत ही लजीज है। मिसेज मेलिके ने मेरी हेल्प की, हमने ये मिलकर बनाया है। बहुत ही अच्छा है।
अब मैं इसे अक्सर चाहूंगा, बस तुम इतना जान लो। मैं बिल्कुल बनाऊंगी जब भी आप चाहें। ये एसोसिएशन से है मिसेस जावेदान, मुझे लगता है आपके लिए है। क्या लिखा मॉम? एसोसिएशन से है। मॉम आप ठीक तो है ना? ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? क्या लिखा है इसमें? रेहान, तुम्हें तो एसोसिएशन के लिए ऑनररी मेंबर चुना है। लिखा है ऑनररी मेंबर, ये बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेशंस। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुबारक हो बेटा, उन्होंने तुम्हें इस काबिल समझा और तुम्हें अपने यहां काम पे रखा। Congratulations. Excuse me. Hello, जी मिसेस सुहेला। अभी अभी आया है। एसोसिएशन में हर कोई डिसिप्लिन कमिटी के लिए तुम्हारी मेंबरशिप चाहता है। तुम जैसी यंग और एनर्जेटिक को देखकर मुझे भी खुशी होगी। मिसेस सुहेला, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा और लेटर भेजा, पर सच कहूं तो मैं इसके लायक नहीं हूं। और फिर मैं ये सारे काम तो बिना एसोसिएशन का मेंबर बने भी कर सकती हूँ ना। अच्छे काम करने के लिए मेंबर बनना जरूरी तो नहीं। आप प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपका ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। जी थैंक यू सो मच। टेसी बताओ मुझे, इन सबके पीछे कौन है? उसने टेंडर की इस फाइल के बारे में कुछ सवाल पूछे और तुम पर दबाव देने के बारे में पूछा। ये कैसे हो सकता है? उसे इस फाइल के बारे में कैसे पता चला? उसने खुद ढूंढ लिया लैला। उसने सवाल पूछे लेकिन एक तरीके से ऐसे लगता है जैसे कि वो पहले ही जानता था। तो तुम्हें ये लगता है कि मिस्टर कैमल ने मेरे डैड की रिपोर्ट लिखवाई है? मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है लैला, अब तुम खुद डिसाइड कर लो। मैं तुमसे कल से बात करने की कोशिश कर रहा हूं और बात करनी जरूरी है। ओके ओके, मैं थोड़ा और ढंग से बात कर सकता हूं।
मैं स्पॉन्टेनियसली काम कर सकता हूं, पर वो कहां रह गई? कितना वेट करना होगा। रिहान, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ प्लीज? मैं जानती हूँ आपको लेटर के बारे में बात करनी होगी, लेकिन यकीन मानिए मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं जानती हूँ, मुझे लगा कि आप, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम उस मेंबरशिप की हकदार थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने डोनेशन देकर मेंबरशिप नहीं पाई है, तुमने सच्चे मन से मदद की और मैंने जो किया वो बेवकूफी थी। जब हम उनके पास फंस गए थे तब मुझे पता चला कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम सच में एक बहुत अच्छी इंसान हो। नहीं ऐसा मत बोलिए। ये सच है, सच है। हिकमत और एमिर ने तुम्हें बिल्कुल सही समझा रेहान, मैं बहुत पछता रही हूं, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करके जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। एमिर तुमसे शादी करने के बाद बहुत बदल गया है, अब उसकी आंखों में खुशी नजर आती है और ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। रिहान, मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश की है, शायद तुम मुझे माफ ना कर सको, पर आज मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांग रही हूं। वो कहाँ है? अपने कमरे में है ना? हाँ वो अपने कमरे में ही है, जाओ जाके मिल लो। मैं मसल के बारे में नहीं पूछ रही, मैं मिस्टर कैमल के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ मिल लेना, पर इस वक्त वो घर पर नहीं है, मुझे नहीं पता वो कब आएगा। आप चाहे कुछ भी बोल लीजिए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। ओए, सब गड़बड़ हो गई, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूंगी अब मैं, क्या करूंगी। अब क्या हो गया? आप मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है? आप मेरे डैड की रिपोर्ट कैसे लिखवा सकते हैं? मैं जानती हूं कि ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसके बाद ये सब करना पॉसिबल ना हो। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, कल मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ कन्फेस किया था और वो बिल्कुल सच था। वो सब भूल जाइए प्लीज, और मेरा यकीन कीजिए मिसेस जावेदान, कल जो कुछ भी हमारे साथ हुआ मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। कल का दिन बहुत ही मुश्किल था, हम दोनों ने वहां मौत का सामना किया था, और वो सारी बातें जो आपने मुझे बताई थी ऐसा समझिए कि मैंने सुना ही नहीं, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जो हुआ वो भूल जाइए, वो बातें जो उस वक्त कही गई थी वो सिर्फ उन हालातों की वजह से कही गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, मैंने अपना प्यार कन्फेस किया, पर वो जरूरी नहीं है। आप प्लीज इस बारे में और मत सोचिए, हम बाद में बात करेंगे।
तो तुम्हें परवाह नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेहतर यही होगा कि जो हुआ उसे भूल जाए और ऐसा मान ले कि वो बातें कभी हुई ही नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तुम्हें वही बात बताने आया था। चलो इसे भूल जाते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं शायद आपको ठीक से समझा नहीं पाई। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि हम उस बारे में जितनी भी बात करेंगे उतने दुखी होंगे, इसलिए हम सबके लिए यही बेहतर होगा कि हम वो सब कुछ भूल जाएं। अच्छा ठीक है, ओके, जैसा तुम चाहो। सब कुछ भूल जाते हैं, जैसा तुम चाहो। मैंने तो बस इसीलिए कहा था। मैं थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। तुम्हें भी सो जाना चाहिए। कल मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। मैं नहीं जानती कि मुझे ये पूछने का हक है या नहीं, लेकिन हाँ, इतनी बात मैं जानती कि हमारी शादी सच नहीं है, लेकिन हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं अगर आप चाहें तो? चाहती है कि हम सबसे अच्छे दोस्त बने, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं। तुम सोई क्यों नहीं? मैं पानी लेने जा रही थी। सच सच बताइए मिस्टर केमल, क्या आपने ही मेरे डैड की रिपोर्ट लिखवाई थी? कैसे आप ये कैसे कर सकते हैं? क्यों किया आपने? मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तो आप ये बताने वाले हैं कि आप मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आपने क्या किया है?
तुम क्या कर रही हो? जब मेरे डैड इतने मुसीबत में हैं, तो मैं डैड के गुनहगार के घर में कैसे रुक सकती हूँ मिस्टर कमल? रुको एक मिनट, उन्होंने तुम्हारे पिता को भी नहीं दिखाया, तुम जाके कैसे मदद करोगी? वो मुझ पर भरोसा करते हैं, उनको मेरी जरूरत है, मैं उनका साथ दूंगी, समझ गए? हटिए आप। वो आदमी तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं था, वो एक अपराधी है, वो सब बच्चों का ऐसे गलत इस्तेमाल करता है। मेरे रास्ते से हट जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर केविल। दरवाजा खोलिए, मुझे जाने दीजिए। मिस्टर केविल, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जब तक तुम शांत नहीं हो जाती तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तुम्हें मेरा यकीन करना ही पड़ेगा, वरना ये दरवाजा मैं कभी नहीं खोलूंगा। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या मजाक है?